आज शिक्षक दिवस है। पूरे देश में शिक्षकों के सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है, पर आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलाने जा रहे हैं जिसके दोनों हाथ तो नहीं पर वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक जरूर है। जी हाँ, आज हम धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड के गायडेरा उर्दू मध्य विद्यालय के एक ऐसे ही शिक्षक से रूबरू करवा रहे हैं। गायडेरा निवासी कभी बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स के छात्र रहे अकबर अंसारी अब घर के समीप ही उर्दू मध्य विद्यालय में मानदेय पर शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। जन्म से दिव्यांग अकबर की भले ही हाथ न हो पर आसमान चूमते अकबर के हौसले ने उन्हें इसका एहसास नहीं होने दिया और वह आज के समय में किसी आम इंसान से कम नहीं। वैसे तो अकबर विवाहित है और उनके दो बच्चों के साथ हंसता खिलता परिवार है, पर एक बात की सिकन भी है कि उन्हें अब तक सरकार द्वारा बतौर शिक्षक परमानेंट नहीं किया गया है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन फिर भी जो इंसान को जीने के लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। दिनचर्या सर हम सारा चीज अपने ही पाँव से करते हैं और सुबह नहाना धोना सब अपने ही से करते हैं, परिवार है जो परिवार कर देते हैं। जी जन्म से ही मेरा है सर। हाँ बहुत अफसोस हुआ सर, माँ को तो ज़्यादा दुख होता है बच्चा पर। नहीं देखिए बात है कि हमने पहले हम सोचते थे कि हम बहुत सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन दुनिया को देखने के बाद पता चला कि नहीं, हमसे ही बहुत से लोग कमज़ोर हैं दुनिया में। उसके बाद हमने आप संघर्ष की मतलब मेहनत किए, मेहनत करने के बाद हमेशा लगन लगा हुआ रहा पढ़ाई में, मानदेय पर सर। हमारी मांग यही है कि सर मुझे परमानेंट किया जाए, मुझे काउंटेड में फिर कितने दिन तक जिंदगी चलेगा सर। बहुत ही है सही से मैं क्या बोलता, सही से मंथली नहीं मिलती, हर महीने नहीं मिलती, जिस कारण से घर का मालिक परेशान करते हैं कि मुझे भाड़ा दो भाड़ा दो, इससे बहुत दिक्कत होती है। जब आप अकबर अपनी निजी जिंदगी से लेकर सार्वजनिक जीवन तक की पूरी दास्तां हमारे संवाददाता के साथ साझा करते हुए बताते हैं कि जन्म से ही दिव्यांगता के कारण जिंदगी नर्क सी लगती थी, पर माँ और पिता के सहयोग से आज अपनी जिंदगी से वह खुश हैं और दोनों हाथ नहीं रहने का उन्हें थोड़ा भी मलाल नहीं। वह खुद आत्मनिर्भर हैं और किसी से कम नहीं। माता पिता से मिले प्रेरणा और खुद के हौसले से आज वह शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और देश के भावी भविष्य में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। अकबर अपने पैरों के सहारे हर वह काम करते हैं जो एक आम इंसान अपने हाथों से करता है, चाहे वह घर का दरवाजा खोलने से हो या फिर चापाकल चलाना या फिर स्कूल में ब्लैक बोर्ड में लिखना, सभी का वह खुद से अपने पैरों को ही हाथ बनाकर बखूबी करते हैं। धनबाद जिले के तत्कालीन उपायुक्त बीला राजेश की पहल पर अकबर का 2005 में बतौर पारा शिक्षक के तौर पर बहाली हुआ और तब से लेकर आज तक अकबर अपनी जिम्मेवारी का बखूबी निर्वाह कर स्कूल के बच्चों में शिक्षा का दिया रोशन कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी अकबर से उतने ही संतुष्ट और खुश रहते हैं। वहीं अकबर कहते हैं कि जो लोग अपनी मजबूरी को कमजोर समझकर दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं या फिर गलत राह पर चल पड़ते हैं, उन्हें इससे सीख लेनी चाहिए। वह कहते हैं कि अगर मन में जज्बा और दिल में मजबूत इरादे हों तो कामयाबी किसी के मोहताज नहीं। इसलिए किसी शायर ने कहा है, तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाइयों आसमानों की। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की। धनबाद से स्ट्रीट बस के लिए सब्बीर की खास रिपोर्ट। सर हम यही कहना चाहेंगे सर कि इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा आगे सोचना चाहिए, आगे की ओर अपने हार नहीं बनना चाहिए। अगर लोग सोच लेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो और टूट सा रहता है, ये इंसान को हमेशा आगे की ओर सोचना चाहिए। उनके बारे में यही कहना चाहिए सर कि हमारे यानी हमसे हमारे हमको देख कर सर इंसान को सीखना चाहिए कि हम हाथ रहते हुए अगर हम क्राइम करते हैं तो गलत काम करते हैं।
जिसकी युवाओं से युक्ति है सर, वो एक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाए और मेहनत से कमाने की कोशिश करना चाहिए, लगन रखना चाहिए।